बहुत स्वाभाविक है, अद्भुत है, बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन है ये। इट्स अ रिमार्केबल एग्जीबिशन, बिल्कुल आश्चर्य है। टैलेंट इज सो वंडरफुल, वेरी ग्रेट एग्जीबिशन, इनको दाद देनी चाहिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मैं हैरान हूँ मोरार्का साहब का ये टैलेंट देख। दिस इज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट photography. It's amazing. I've never seen an exhibition, photo exhibition like this. बहुत ही प्रभावशाली है. Wonderful. It is lovely and lively. बहुत ही प्रशंसनीय है. वो बहुत ही उत्तम. कमल मोरार्का नहीं, लेकिन कमाल मोरार्का. पहचान होती है और शौक व्यक्तित्व का आईना होता है। मन जिस शौक मेरा में उससे प्रेम हो जाता है। उद्योगपति, समाजसेवी और कला संरक्षक कमल मोरार्का की सोच और इच्छाओं ने जब आकार लेना शुरू किया, तब उनकी नजरों ने प्रकृति के पन्ने पलटने में दिलचस्पी दिखाई और जरिया बना कैमरे का लेंस। राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी में उद्योगपति, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, कला संरक्षक और शौकिया फोटोग्राफर कमल मोरार्का की फोटो प्रदर्शनी लगी। It was the same exhibition was earlier held at Mumbai, Jahangirat Gallery. After the success of that exhibition there, he thought he would like to share with the Delhiites. And this is how this project has come to Delhi. For me, the greatest pleasure is first time people of Delhi will see images like this. I am still sure that this is the way tiger and wildlife Delhiite has never seen. You may see the pictures in a frame, 16 by 20 inches and 20 by 20, but this is, most of the pictures will give you a feel that you are there in the field and enjoying what you enjoyed. सफलता के पैमाने तय करते हुए जो अरमान सीने में सिमट गए, उन जज्बातों को जाहिर करना एक बेहतरीन प्रयास है। कमल मोरार्का, विद ऑल हिज मेनी टैलेंट्स, दिस इज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट फोटोग्राफी. And I think most of the people who came today have found it very amazing that this is the kind of thing that he can also achieve. Kamal Morarka ke liye photography mehz shauk nahi balki samaj mein aas paas ki cheezon ke prati logon mein prem jagane ki ek koshish hai. अपार धीरज का परिचय तो है ही, और उसके साथ साथ एक फील ऑफ सीन, ये मैं जरूर महसूस कर सकता हूँ एक बहुत ही सामान्य संवेदनशील व्यक्ति की तरह। इस सफर की शुरुआत 1995 में हुई, जब पहली बार साइबेरिया से आए मेहमानों को देखने के लिए वे भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क पहुंचे। पार्लियामेंट का टर्म खत्म हुआ 94 में, तो उसके बाद शुरू किया 95 से, पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी से, फिर हमारे दोस्त हैं दिनेश, वहाँ मिल गए भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, वो हमको ले गए बांधवगढ़,
वहाँ टाइगर्स देखे, फिर दो तीन बार लाइव फोटोग्राफी करने के बाद फिर वो जुनून बन जाता है अपने आप में। वक्त के साथ ये सिलसिला कमल मोरारका की मनपसंद आदत बन गई। अब शौक होता है जहाँ टाइगर हो, जहाँ अच्छी साइटिंग अखबार में पढ़ता हूँ चले जाता हूँ जंगलों में। फिर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के टाइगर हो या कान्हा नेशनल पार्क के, सब उनके दोस्त बन गए। The love of the photographer for the animal is somehow reflected back. The animal seems to love the photographer. In each one, the bird or the tiger looks as if it is particularly posing with great affection for Kamal. Rajasthan ke Bharatpur ke saath desh ke bahar South Africa ke Kruger National Park ke cheete aur unki toli bhi मानव संसार से इस दोस्त को पाकर खुश हुए। You can see almost the tigers are almost life size. So and they look, some half of them look as if they're posing, especially for Kamal the photographer. And you know, the fact that he's got pictures not only from different nature reserves in India, but in Africa, and I think, well, Masai Mara is the only other one from outside. And because I've been to Masai Mara, I found it even more interesting because I'd been there. It's amazing. I've never seen an exhibition, photo exhibition like this ever. साहित्य और कला जगत के लोगों को खूबसूरत सरप्राइज मिला जब उन्हें मालूम चला कि समाज के फिक्र में उद्योग जगत की एक मशहूर हस्ती ने अपने संदेश को शौक के जरिए पेश किया है। कमल मोरारका का लिखा हुआ तो पढ़ा है और लेखक रूप को तो जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो फोटोग्राफर भी लेखक से ज़्यादा अच्छे हैं। प्रकृति के सफर पर निकले कमल मोरारका के कदम जहां ठहरे वहां अनुभूतियों का नया आयाम देखा गया। शेरों की आंखें हैं, उन आंखों में जो भाव है वो वही भाव है जो इंसानों की आंखों में होते हैं, और वो खुला भाव है। हम लोग तो हमेशा अपने भावों को ढक ढांप कर रखते हैं, यहाँ खुला भाव है। ग्रे हेरोन, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, ग्रे पेलिकन, लार्ज कॉर्मोरेंट, ग्रे लेग गीस, पाइट किंग फिशर, फिशिंग ईगल जैसे बर्ड्स और सांबर डियर और दूसरे ब्यूटीफुल क्रिएचर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगा। Various photographers, and it's just not photography per se, it is more of their passion, patience, and getting the right kind of picture. सियासी गलियारों के दोस्तों को जब कमल मोरारका के बहुआयामी प्रतिभा के बारे में पता चला तब आश्चर्य उन्हें भी हुआ। No, it's a remarkable exhibition, and it's perhaps the only exhibition that I have seen which has some remarkable photographs from India as also from Africa. So it's in that sense almost a unique mixture. प्रदर्शनी में लगे विशाल चित्रों को देखकर ही इस संदेश को आसानी से आंका जा सकता है।
बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन है ये। बहुत सारे एग्जीबिशन देखे हैं मैंने, लेकिन जितने सुंदर और जितने बड़ी तस्वीरें यहाँ हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग पशुओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मैं बधाई देता हूँ मोरारका जी को और चाहूँगा कि हमारे युवा पीढ़ी ख़ास तौर पे देखें कि हमारे पशु कितने सुंदर होते हैं और किस प्रकार से इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हैरानी का आलम व्यापार जगत के दोस्तों में भी देखने को मिला जब बिजनेस में मंझे व्यक्ति के कलात्मक पहलू से उनका परिचय हुआ। कमल मोरारका जी कई वर्षों से वो मेरे मित्र हैं, मगर वो निसर्ग से, नेचर से इतने करीब होंगे इसके मुझे तनिक भी आभास नहीं हुआ। ये बात ज़रूरी है कि उनका नागपुर से संबंध रहा और नागपुर से संबंध रहने के कारण आजू बाजू के जंगलों का संबंध रहा उनका। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जीबिशन है ये हम सब लोगों को इंस्पायर करेगा कि वन्य जीव कितने हमारे लिए अजीज़ है, महत्वपूर्ण है, प्यारे हैं, और इनको संभालना और इनकी नरिशमेंट करना ये हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कमल मोरारका के इस दिलचस्प प्रतिभा पर प्रदर्शनी में आए उनके सभी मित्रों ने अपनी खुशी को कलम के जरिए पन्नों पर दर्ज किया। यूं तो मीलों चलना है हाथ थामे कामयाबी का, पर जड़ों को भूल जाए वो आदमी ही क्या। साहित्य, कला, राजनीति और उद्योग जगत के लोगों को कमल मोरारका का ये शौक नायाब लगा, लेकिन उनका सपना आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत संसार देना है और ये प्रदर्शनी उनकी सोच को यथार्थ में बदलने का प्रयास भर है। ममता की तस्वीर तो कहीं पुलकित मन के भाव, कोई स्वच्छंद विचारों का प्रतीक तो कोई गुरूर से ताकता अपनी ताकत का एहसास कराता चित्र, कहीं इठलाता कहीं इतराता तो कहीं अपने साथियों पर प्रेम बरसाता चित्र, मन के इन सभी भावों को प्रदर्शित करता है ऐसा जानवर जिसे दुनिया खतरनाक मानती है। प्रदर्शनी में इन मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं बाघ के चित्र। जंगल के ठीक बीचों बीच आंखें तरेरते हुए बाघ को कैमरे के जरिए देखना एक बार तो डराता है, लेकिन अगले ही पल इस पर प्यार आता है। कैमरे को देखते ही बाघ मनुष्यों के जैसे ही शर्मा जाता है और शर्माते हुए वापस लौट जाता है। उसकी ये तस्वीर कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ये जो हम जिन्हें खतरनाक बहुत समझते हैं मनुष्य ही जैसे हैं, पूरा कुटुंब बैठा है तो बहुत निश्चिंत भाव है उनके आंखों में, और अकेला बैठा है तो बहुत चौकन्ना है, और चल रहा है तो जैसे एक रास्ता तय कर रहा है। वो भाव तो सारे वही हैं, मनुष्य हो या जानवर हो। मानव मन की सारी संवेदनाएं खुलते हुए बाघ अपनी ममतामय छवि फोटोग्राफर के मन में छोड़ गया। तब ख्याल आता है आखिर क्यों दुनिया इसे भयावह मानती है। तीखी धूप में झील के किनारे पेड़ के नीचे छिपा बाघ सूरज से अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। तब इसके जीवन में अपना बिंब साफ दिखता है। उस दृष्टि से जिस तरह भंगिमाएं बांधी गई हैं कैमरे में बहुत अद्भुत है। कान्हा नेशनल पार्क के इस परिवार से शिकायत मनुष्यों को क्यों है कि बाघ के पीठ पर वक्त के पंजों के निशान क्यों है। हमारे देश में पशु पक्षियों जानवरों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। मासूमियत से लबरेज
इन मूक चेहरों से क्यों हमारा अहम टकरा जाता है कि भूल जाते हैं ये प्रकृति का तोहफा है, हो गया तो लौट कर नहीं आता है। और जो इनका सब्जेक्ट है वो तो अपने आप में जब जाहिर है कि वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना है। अपने ही खेल में मग्न इस बाघ की धाक से पूरा जंगल थर्रा रहा है। गुरूर से चूर इस झूमते बाघ के प्रेम से मानव मन उचट गया है। क्यों आदमी खुद गर्जी पर उतर गया है। पहले आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे, वन्य जीव सुरक्षित थे। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, जंगल कम होते गए और आगे जाकर जंगलों का और इन वन्य जीवों का भविष्य क्या होगा उसकी और जो एक संकेत दिया गया है, जो संदेश दिया गया है, निश्चित रूप से ये बात बहुत ही सामयिक है। अटखेलियों में निश्चिंत बाघ परिवार की तस्वीर से ममता की भावनाएं बहती हैं। तो क्यों आदम स्वार इसे नष्ट करने की चाह रखता है? क्या बाघ अधिकारों की बात करता है? अपना जो नेशनल कमिटमेंट है टाइगर को बचाने का, उसमें काफ़ी काम हुआ है मगर काफ़ी नहीं। इसलिए कि एक बार मतलब ये कि अगर जानवर एक्सटिंक्ट हो गया तो कोई तरीका नहीं है जिससे कि उसको दोबारा लाया जा सकता है, और वो बहुत बड़ा नुकसान होगा ह्यूमैनिटी के लिए। जब उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिलती तो वो धीरे से उठता है और जा छिपता है फोटोग्राफर के कैमरे की लेंस में। क्या इस संसार पर उसका हक बस इतना ही है? खासतौर पर जंगलों के किनारों पे बाहर आबादियां हैं, लोग रहते हैं, तो मनुष्य और जानवर का जो टकराव है, झगड़ा है, उसका सलूशन आसान नहीं है, मगर सलूशन हमको निकालना है। ये भी कुदरत का स्वाभिमान है। इसलिए कि एक बार ये इतना खूबसूरत जानवर ख़त्म हो गया तो फिर तो अगली पौधे जो हैं हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनको सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगा। मुस्कुराता हुआ ये बाघ सृष्टि का अभिमान है। इस प्रदर्शनी में अलग अलग तरह के पक्षी हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो थोड़े वक्त बाद हमारे बीच नहीं होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे बीच होते तो हैं लेकिन हमने उन पर ध्यान न दिया हो। पक्षियों को अपने धुन में मग्न देखना एक खूबसूरत एहसास है, और इन्हीं एहसासों को प्रदर्शित किया गया है बर्ड्स के फोटोग्राफ्स में। कभी आंगन में बैठकर हर शाम पक्षियों के कलरों को सुनते थे, जिसकी धुन मन में आज तक जलतरंग सी बसती है। वो शाम लौट कर नहीं आई है। उन्मुक्तता की चाह में गगन को नापता ये पक्षी फोटोग्राफर के मन की थाह रखता है। कमल मराका साहब, जो कि इतनी अपनी व्यस्तता, कितने वो स्थिति शख्सियत हैं जो बहुत व्यस्त हैं, उसमें भी उन्होंने समय निकालकर जितनी सुंदर ढंग से आज ये प्रदर्शनी का जो आयोजन बॉम्बे के बाद दिल्ली में किया है, यहाँ पक्षियों के भी बहुत ही सुंदर चित्रों को उन्होंने अपने कैमरों की आंख से खींचा है। पक्षी भी हम जैसी ही आजादी की चाह रखता है। खूबसूरती के प्रतीक इस पक्षी में कमल मुरारका ने बच्चों की मुस्कुराहट को देखा है। I don't see a picture. I actually see the birds also seem to be there right in front of you. They are not pictures, but you feel as if they are before you, and if you step ahead, they will fly. अकेलेपन में शांति को महसूस करते इस पक्षी को फोटोग्राफर ने कैमरे से नजर बंद किया है। अपार संभावनाएं लगाए खुद में मग्न ये पक्षी आजादी का एहसास कर रहा है। जो अक्सर हमें पक्षी लुभाते हैं अपने मासूमियत के लिए,
इन पक्षियों ने ही हमें ख्वाबों में उड़ना सिखाया है। प्रेम की आस में वेदना करते इस पक्षी पर कमल मुरारका ने दुलार जताया है। हर किस्म के जीवित वस्तु को और इंसान को साथ में प्यार से रहना चाहिए और वो एक बहुत अच्छा एक रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। मनुष्यों जैसे ही इनके समूह के खेल सहज प्रेम से बंधी जोड़े की प्रीति और सुरक्षा की चाक में घोंसले पर बैठे पहरेदारी करते पक्षी को कमल मुरारका ने पहचाना है। पक्षियों के जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी मुझको बहुत अच्छे लगे। जब इस तरह की प्रदर्शनियां दूर दूर तक जाएंगी तब उनको लगेगा कि ये दुनिया जो है वो मारने के लिए नहीं है, अच्छी दुनिया है। कमजोर टहनियों पर ताकत का एहसास कराते झुंड में पक्षियों की टोली और मजबूरियों में जकड़ा सोच में मग्न अकेला ग्रह हिरॉन की विविधता को कमल मुरारका ने कैमरे में कैद किया है। आकाश की तरफ देखता आशाओं से बंधे इस पक्षी का आसमां शायद हमने छीन लिया है। रहस्यमय दुनिया संजोए इस पक्षी के डर को कमल मुरारका के कैमरे ने खूब कैद किया है। और इन चित्रों को जो हम देखते हैं तो लगता है वो तो एक सौंदर्य बोध है उसमें, इसलिए इन चित्रों की एक संवेदना यहाँ भी है कि वो हमारे भीतर के सोच का परिष्कार करते हैं। धाक लगाता फिशिंग ईगल भी कमल मुरारका की नजरों से नहीं बच पाया है। सतर्क रहकर अकेलापन महसूस करते इस पक्षी की तस्वीर दुनिया में अपनी अहमियत का एहसास कराता है। कि पक्षियों का जो भरतपुर में पक्षी जो आते थे बाहर से यूक्रेन से साइबेरियन जो आती थी उनकी मतलब नस्ल ही खत्म हो गई है, पूरा प्रजाति खत्म हो गया है, तो इनको संरक्षण देना वन्य जीवों को बहुत आवश्यक है। खूबसूरती का प्रतीक ये पक्षी प्रकृति के चक्र को पूरा कर रहा है। झुंड में विचरते ग्रे लेग गीज के चित्र में आत्मीयता की झलक साफ नजर आती है। चिड़ियों वाला ज्यादा अच्छा रहा, वो बहुत मुझे अच्छी लग रही थी और लग भी रहा था कि एक ले जाऊं उतार के या किसी तरह और किताब पर लगाऊं। तो सारे जहां को खुद में समेटने की कोशिश में लार्ज कॉर्मोरेंट कमल मुरारका की तस्वीर में ही सिमट गया। पृथ्वी से विलुप्त होने के अंदेशे में अकेले बैठे ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क का गम कमल मुरारका ने जाना है। किंगफिशर हेरॉन पर्यावरण के लिए जरूरी होते हैं, फिर भी वो क्रूरता के शिकार हो जाते हैं। व्हाइट स्टॉर्क हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से अस्तित्व खोने की कगार पर हैं। इन तस्वीरों से लगता है कि लुप्त होते इन बेजुबानों के गम में फोटोग्राफर भी साथ हैं। खिड़की के बाहर तोते को देखना याद तो है, पर अब वो डाल पर बैठा सुनी नजरों से आकाश में अपने दोस्त को तलाश रहा है। उसकी इस कोशिश पर कमल मुरारका का दिल आ गया। जहाँ प्यार से कैमरा से शूट करते हैं और जितना प्यार से कमल शूट कर रहे हैं उतना ही प्यार से एक एक चिड़िया एक एक जानवर ने उनके तरफ पोज किया है, तो एक म्यूचुअल प्यार हो रहा है और वो बहुत अच्छी बात है। प्रयासों में कमी क्या है, क्यों उदास हैं ये पक्षी? कि ये जो वन्य जीवन के चित्र यहाँ देखने को मिले ये अद्भुत हैं और अपनी
एक अपने अस्तित्व के उस हिस्से की याद दिलाने वाले हैं जो खास करके हम महानगरों में रहने वाले लोग भूल चले हैं, और इसके लिए मैं कमल जी को बहुत बधाई देता हूँ। खिड़की पर दस्तक देने वाली चिड़िया नजर नहीं आती, शायद शहर वाले घरों में आंगन नहीं है। जिंदगी के मंच पर इन मूक जानवरों की भागीदारी भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी है। आखिर प्रकृति ने जीवन के अधिकार से हम सबको नवाजा है, और सृष्टि के सबसे संवेदनशील प्राणी होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम संसार को खूबसूरत बनाए रखने में अपना योगदान दें। वरना आने वाली पीढ़ी को क्या हम तोहफे में अपनी क्रूरता का नमूना और असंवेदनशीलता का सबूत पेश करेंगे? जरा सोचिए, क्या हम बच्चों को खाली चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगे? आप विचार करें और हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रदर्शनी को देखने समझने के बाद आप इसके संदेश को समझकर अपनी कोशिश जारी रखेंगे।